कौशल के निधन के बाद जहां एक ओर पूरा टीवी जगत सदमे में है, तो वहीं जब 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार था, अंतिम श्रद्धांजलि थी, तो टीवी जगत से जुड़े कई तमाम बड़े नाम इस मौके पर यहां पर हमें देखने को मिले थे। कुशल की अंतिम विदाई में ये लोग नजर आए। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में कुशल के अंतिम विदाई में ले जाएंगे, जहां पर कई बड़े बड़े सितारे नज़र आए और हर कोई यही कहता हुआ नज़र आया कि वो एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आपको ले चलते हैं कुशल पंजाबी के अंतिम समारोह विदाई में। कुशल पंजाबी की आत्महत्या ने टीवी टाउन को हिला कर रख दिया है। पूरा टीवी जगत एक सदमे में है। जी हाँ, कुशल पंजाबी की अचानक निधन की खबर से टीवी से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी सदमे में हैं। महज 37 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर खुद खुशी कर ली। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को मुंबई में कुशल का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर टीवी के कई सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें, यहां पर करणवीर वोहरा, अर्जुन बिजलानी उनके साथ, दृष्टि धामी, एजाज खान, चेतन हंसराज, नंदिश संधू और शहनाज त्रिसूरी, ये सभी टीवी जगत के बड़ी बड़ी हस्ती उनकी शोक सभा में पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए आपको ले चलते हैं उनकी शोक सभा में। Shall always be in my heart and all our friends, man. He was the light of each and every group we were in. I can't imagine life without our friend. He's a real winner. For us, he always been, always a strong guy, always looked after himself, always in there for his friends. Imagine that. हाँ, वो पीछे ये भाई देखो ना, उसकी आसिका
बच्चे है ना भाई। पाँच के पैसे कर दूंगा मैं तो, पाँच के पैसे तो भाई पाँच में तो कोई नहीं है मेरे पास, थोड़ा हाँ बोलो ना। रात में यूनिट थी, हाँ रात में यूनिट नहीं रहेगी, यूनिट अभी अभी एक ही यूनिट है ना ना ही गाँव में आज। सर जी सर जी यहाँ पर टीवी जगत से जुड़ा हर वो बड़ा नाम आया जिसकी करोड़ों फैन फॉलोइंग है। कुशल के चाहने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनका अचानक से ये कदम उठा लेना हर किसी को परेशान कर रहा है, हर किसी को
ये सोचने पर विवश कर रहा है कि एक बार तो बात करी होती, इतना सब कुछ करने से पहले काश एक बार अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को साझा तो करते, तो शायद आज ये देखने को ना मिलता। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।